जय हिंद। हमेशा से विवादों में रहा इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो फिर से गर्मा गया। इसमें किसकी ज़्यादा गलती है, इजराइल की है या फिलिस्तीन की है? इसमें हमास कौन होता है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक जरूसलम पे विवाद क्यों हो रहा है और इसमें कौन सही है, और भारत को किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं देना चाहिए, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। देखिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन है ये मिडिल ईस्ट में आते हैं सब। मिडिल ईस्ट एशिया का लास्ट हो जाता है, ये वाला एरिया हो जाता है। तो आप देख सकते हैं भारत से दूरी भी अच्छी खासी है। ये एरिया पूरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज के बीच में है यहाँ पर, और यह इजराइल है इसी के बीच में। इसको अगर पास करके हम इस एरिया को देखते हैं यहाँ से, तो आप इस तरह से देखेंगे, ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया से पाकिस्तान, ईरान, और उसके बाद ये वाला एरिया आ जाता है इजराइल का। इसराइल इसी में है आपका फिलिस्तीन, हालांकि पहले ये फिलिस्तीन था, उसको उसके ऊपर इसराइल को बसाया गया। तो स्टार्टिंग से वहाँ पर जो कंट्री थी वो फिलिस्तीन थी, हालांकि वहाँ पहले से भी यहूदी लोग रहते थे, बट एक देश का कंसेप्ट उनके पास नहीं था, वो वहाँ रहते थे, बहुत कम संख्या में रहते थे। अब देखिए, ये सारे खेल के पीछे ये इंग्लैंड वाले हैं सब। ये ससुरे क्या बोलेंगे सब किसी को नहीं पता है, और हम लोग से बेहतर इनको कौन जानता है। हम लोगों के ऊपर इन्होंने 200 साल तक शासन किया है, जलियांवाला बाग से हत्याकांड से लेकर, चाहे वो फांसी देना हुआ भगत सिंह को, चाहे वो सेलुलर जेल हुआ, हम लोग इनकी पूरी तरह रहन से वाकिफ है। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो इन लोगों ने कुछ ऐसे सरदर्द दे गए हैं जो दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में क्या किया इन लोग ने, जहां पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन को बांट दिया, कहा कि भैया इजराइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा, दो देश यहां बना दिया, इजराइल और फिलिस्तीन। कहां बैठे बैठे इन लोगों ने, लंदन में बैठ गए, कोई चीज अच्छी आ रही है तोरे बारे में बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, दो भाग में यहां बांट दिया। और हमेशा से यह लड़ाई होती है, और ये लड़ाई किस तरह से आप अपने पे समझिए। हमारा अखंड भारत देश था, 1900 इनको बांटा 1948 में यहाँ पर, और हम लोग को ठीक एक साल पहले बांटे थे, सो 1947 में भारत इंडिया था और ये पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर दिया सब, और हम लोग के बगल में एक तो बवासीर छोड़ के चला गया सब 1947 में, और अभी ये बवासीर भगंदर हो गया है। आप खुद समझिए, क्या ये लड़ाई हम लोग के बीच की, जो इंडिया पाकिस्तान का इंटेंशन है, इतना मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, खास करके कश्मीर इशू को, टेररिस्ट आतंकवाद को लेकर, कभी सॉल्व होने वाला लगता है? नहीं लगता है। ऐसे ही इन लोगों ने यहाँ किया। अब हम लोग को इस कचड़े में पड़ना नहीं है, पहले आप समझिए कि ये लड़ाई जानबूझ के लड़ाई जा रही है, ताकि ये और अमेरिका वाले लोग हथियार बेच सके, वरना भारत पाकिस्तान में इन्हीं लोग का देन है। और अगले साल यहाँ पे देन है, देखिए आईपी यहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन और आईपी इंडिया पाकिस्तान, ये सब बैठ के कहाँ से हो रहा था, लंदन से, ससुरा आईपीएल आईपीएल खेल दिया सभी से, बहुत होशियार है सब। तो आप पर्दे के पीछे के सीन को समझिए, चल क्या रहा है, जो अभी हो रहा है इसको मत देखिए, उसे देखिए जो नहीं दिख रहा है। अब 1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इजराइल भी रहेगा तो बवाल होगा। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ये लोग जहां मार करते थे वहां पर इन्होंने अपना एक मुखौटा रख दिया था, उसका नाम है यूएनओ। आज भी ये यूएनओ फेमस है किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए। 1948 का हम लोग का कश्मीर इशू अभी तक इस गधे से सॉल्व नहीं हो रहा है, इतना पागल संस्था है कि किसी चीज को ये चौपट कर देगा यूएनओ में। तो जानबूझ के इन्होंने मुसलमानों से कहा कि चलो चलो तुमको हम यूएनओ में ले जाते, वही फैसला करेगा। बचपन में आप कहानी सुने होंगे कि किसी ब्रेड के लिए दो बिल्ली लड़ रही थी, तो बंदर आया उनको फैसला करने, सारा ब्रेड अपने खा लिया। तो यूएनओ ने कहा कि देखो भैया, जो बेलफोर डिस्क्लेरेशन है उसके तहत इजराइल बनेगी, और इसने एक मील आयोग को बना दिया, और इसने कहा कि देखो भैया इजराइल बन जाएगा, और इजराइल की स्थापना कर दिया 14 मई 1998 को, इस दिन इजराइल की स्थापना हो गई। जो फिलिस्तीन पूरा फिलिस्तीनियों का था, जो मतलब वहां मुस्लिम लोग रहते थे, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 1948 में, और क्या कर दिया, 48% दिया फिलिस्तीन को, 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया यहां पर, देखिए, जबकि इजराइल का यहां पे उस समय तक नहीं था यहां पे। उसके बाद क्या किया, जेरूसलम जो राजधानी थी उसको कहा कि देखो ना ये फिलिस्तीन की राजधानी रहेगी, ना ये इजराइल की राजधानी रहेगी, ये यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा, 8% का एरिया यूएनओ के कंट्रोल में। जैसे ये बात हुआ, अरब देशों ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, फिलिस्तीन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मार होगा, ससुरा स्टार्टिंग स्थापना हुआ, युद्ध चालू हो गया। वो तो भारत भी झेल चुका है, 1947 में आजाद हुए, मार हो गया, पहली लड़ाई 1947-48 की थी हम लोग की, वही इसके साथ हुआ, इसराइल ने इन लोग को पकड़ के धो दिया, 6 देश आए थे लोग मारने, सबको पकड़ के धो दिया। रीजन क्या है कि ये लोग जो अरब देश के मुस्लिम कंट्री थे, ये जंग लड़ रहे थे जंग को जीतने के लिए, जबकि इसराइल के यहूदी लोग जंग
लड़ रहे थे अपना अस्तित्व बचाने के लिए। उन्हें पता था कि अगर ये युद्ध हारेंगे तो हम ये युद्ध नहीं हारेंगे, ये पृथ्वी हार जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो युद्ध को जीत गए। अब यहाँ पर यूएनओ को क्या मतलब बना कि जेरूसलम पर अपना कब्जा रखने का, तो इसके लिए कारण है जेरूसलम तीन धर्मों का पवित्र स्थल है। जैसे ये देखिए, ये जो इसराइल है अभी नक्शा, तो इसमें जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये दिया गया था फिलिस्तीन को, जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है वो इसराइल के पास, और जो रेड दिख रहा है वो जेरूसलम है। जेरूसलम को जूम करके देखेंगे तो इस तरह का नक्शा आता है। यहाँ तीन पवित्र धर्म रहते हैं। ईसाइयों का मान्यता है कि उनके जो ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था, वो बैतलहम जगह जेरूसलम में है। यहूदी जो अभी वर्तमान में इसराइल में रहते हैं, उनका कहना है कि उनके सारे लोग यहीं से शुरू, उनका मूल स्थान यही है। और मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद यहीं है। यानी ये तीन तीन धर्मों का पवित्र स्थल है जेरूसलम, इसे होली लैंड कहते हैं। बात समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था, ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए, आधा फिलिस्तीन यहाँ दिया है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, बीच में पतला रास्ता। इन लोग का पहले से प्लान था, ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, एक और इधर पाकिस्तान, एक और इधर पाकिस्तान, जिसको आगे चल के हम लोगों ने बांग्लादेश में तोड़ दिया। यही काम किया इजराइल ने। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके तोड़ोगे तो ये छितरा जाएगा, उधर वो छितरा जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया, देखिए इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहां बच गया, यहां बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले देखे 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था, अभी वो 12% है, और पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली, भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं कि हमारा देश तुम हमी को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है, फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। और जो हमला हो रहा है वो बेसिकली हमला इस गाजा पट्टी से हो रहा है, अभी आगे समझाएंगे, वो भी हमला हो रहा है, और वो हमास कर रही है, आर्मी नहीं कर रही है, हमास वहां के हिसाब से एक आतंकवादी संगठन है इजराइल के हिसाब से, वो हमला कर रही है, न कि फिलिस्तीन की आर्मी। फिलिस्तीन वालों के पास पत्थर रहता है मारने के लिए, और हमास जो है आतंकवादी संगठन, वो रॉकेट मारता है। ओवरऑल आप कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ, और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो भयानक, जमीन कब्जा लो। और ये लोग जरूर, ये लोग समझेंगे नहीं, लोग ये लोग ताव में आ जाएंगे तुरंत। इतना बड़ा था फिलिस्तीन, देखिए फिलिस्तीन समेटते गया, वो काला वाला एरिया जो है वो यहूदी का है, मतलब वो इसराइल है। धीरे धीरे देखिए ये निपट गए, इतनी सा बचे हैं, लग रहा है बस प्रसादी के हिसाब से बचे हैं। देखिए इतना पहले पूरा था, इतना हो गया। अब इसराइल का मेन कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। इसराइल कहता है कि भाई फिलिस्तीन वालों को हम तोरा उकसाएंगे, कोचेंगे, और तू कोचा जाएगा, तू आएगा पत्थर मार दें, हम फोड़ देंगे, तुमको तबाही करेंगे। हमास खूब से खूब करेगा तो गली मोहल्ले पे हमला कर देगा, कार और जला देगा, यही रॉकेट में करेगा, और उसके बाद से उसके पास एयरफोर्स है, वो आएगी मारेगी और जमीन कब्जा करेगी। जब जब लड़ाई हुआ है तब तक हार फिलिस्तीनियों की हुई है और उत्तेजना होगी यहाँ पर। अब इसका मेन कारण कहाँ से हुआ इसको समझते हम लोग। देखिए मुसलमानों में ना तीन पवित्र स्थल है जिसको आप दो ठों को जानते हैं, जैसे कॉमन लोग यही मतलब फेमस है, एक मक्का और एक मदीना, ये दो दिखता है। हालांकि ये इतना छोटा नहीं है, है तो बहुत बड़ा, जैसे ये मक्का है, मक्का को देखेंगे तो बहुत बड़ा है ये यहाँ पे, यही जो छोटा सा आपको दिखाया जाता है ये मक्का, जबकि ये इतना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में आ जाता है मक्का। यहाँ पर यहीं पे हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, यहाँ पे हज करने, ये पूरा मक्का है बहुत मतलब जिस तरह से। और ये मदीना है, मदीना, इस मदीना में आपको बस एक ग्रीन वाला ये टॉम दिखाया जाता है ऊपर वाला, ये ग्रीन यहाँ पे। तो ये मक्का और मदीना तो फेमस ही है। इस मक्का और मदीना के अलावे अल अक्सा मस्जिद भी बहुत पवित्र है, ये मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल है। तो मक्का तो यहाँ हो गया, यहाँ पे मदीना यहाँ हो गया, तो मक्का और मदीना जो है वो सऊदी अरब में हो गया, लेकिन अल अक्सा मस्जिद जो है वो जेरूसलम में है। अब विवाद समझिए, जेरूसलम ना फिलिस्तीन का है और जेरूसलम ना ही इसराइल का है, और जेरूसलम पर अधिकार यूएनओ का है, लेकिन यूएन कठपुतली बना रहता है और इसराइल उस पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते रहता है। इसी यहीं पे से विवाद स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्ट विवाद स्टार्ट हो जाएगा। कोई मंदिर में पूजा करने जाए या मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, कहे कि चलो आज बवाल करते हैं, कुछ ना कुछ पहले से मैटर होगा, वहाँ लोग इकट्ठा हुए होंगे और अचानक चालू हुए होंगे, हुआ यहीं से है, लेकिन मैटर इसके पीछे शाहजरा का है। देखिए जो इसराइल, जो जेरूसलम जो यूएनओ के अंडर में आता है ना, उसके पास एक जगह है जिसका नाम है शाहजरा।
सुप्रीम कोर्ट इसराइल की शाहजरा ने कहा कि यहाँ पे जो फिलिस्तीनी रहते हैं इनको खाली करवा दीजिए, क्योंकि यह जो जगह है वो यहूदियों का है। अब इसकी हिस्ट्री देखिए, शाहजरा को आज से लगभग 150 साल पहले यहूदियों को जब इंग्लैंड ने कहा कि हम आपको यहाँ बसाएंगे, तो वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए थे, और बहुत महंगे दाम पर उन लोगों ने ज़मीन को ख़रीदा था इन अरब वालों से। आज जो ये अरब वाले चिल्ला रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेकर फिलिस्तीनियों से, उनसे, यहूदियों से ज़मीन बेचा था, और वो ज़मीन बेचते हैं ये लोग खरीदे थे इस ज़मीन को, इनके पास प्रॉपर पेपर है, और इन लोगों ने ही बेचा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 150 साल पहले ये शाहजरा की जो ज़मीन थी वो इसराइल वालों ने खरीदी थी, इसलिए जो यहाँ पर मकान फिलिस्तीन वालों ने बनाया है ना, लगभग 500 मकान, उस पर जेसीबी चलवा के तुड़वा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, इसको तोड़ा जाए, और वहाँ से तुराई खाली चालू हो गया कि भैया यहाँ से इन लोग को भगाया जाए। अब इसी का बवाल था कि भाई आप पुराना मैटर क्यों खोल रहे हैं, 150 साल पहले क्या था। उस तरह से जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि जो 150 साल पुराना मैटर है उसको लाओगे उसी हिसाब से तो बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे, लेकिन वही लोग क्या कहते हैं, तुर्की का वो लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि तुर्की में एक बहुत बड़े राजा थे उस समय का, सुल्तान अल फतेह। इन्होंने क्या किया भैया कि तुर्की का जो हाजिया सोफिया जो मस्जिद है, पहले वो तो चर्च था, उस चर्च को इन्होंने खरीद लिया, यहाँ पर हाया सोफिया को पैसे में खरीद लिया था इन्होंने। और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया इसकी पुरानी हिस्ट्री तो ये चर्च थी, बाद में इन्होंने खरीद के मस्जिद बना दिया, एक काम करो ये झमेले से हटा दो, इसको म्यूजियम बना दो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको म्यूजियम बना दिया गया, लेकिन भाई साहब ये तैयबुल अर्दोगान आए कहें कि ना म्यूजियम कैसे, 400 साल पहले हम लोगों ने खरीदा था इसलिए यहाँ मस्जिद होनी चाहिए। भाई साहब यहाँ पे लोगों ने तर्क दिया कि भाई हम खरीदे थे तो हमारा अधिकार है। तो भाई साहब यहाँ भी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट लगा है, आप 400 साल पहले चर्च को खरीदे थे और आप कहते हैं कि फिर से ये चर्च नहीं मस्जिद होना चाहिए क्योंकि हमने खरीद लिया है। तो इसराइल भी यही कह रहा है कि भैया 100 साल पहले हम लोगों ने इसको हायर रेट पे देखा, तुम अरब वालों से ही खरीदा था, इन्हीं लोगों से खरीदा था, ये लोग बेच बेच के पैसा में कमा लिए थे, तो कहता है कि वापस दो यहाँ पे। तो ये कन्फ्लिक्ट का मेन मैटर था शाहजरा। शाहजरा से ही थोड़ी सी दूरी पर है अलक्सा मस्जिद, फ्राइडे की नमाज पढ़ने रमजान में लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए थे तो वहाँ पर इन लोग को पता था इसराइली खुफिया एजेंसी को कि शाहजरा को जब खाली कराया जा रहा है तो वहाँ पर कुछ विवाद होगा, तो इन लोगों ने सिक्योरिटी को वहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा दिए थे, और इनमें तूतू मैं हूँ झग बगझग हुआ, अब यहाँ से भी पत्थर चले उधर से भी चला और इसमें भीषण रूप ले लिया यहाँ पर, और सिक्योरिटी वाले लोग ऐसे ही मस्जिद के अंदर घुस गए जिसका पूरी दुनिया में विरोध होने लगा। अब वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो पत्थर होता, इन सबके पास पत्थरें रहता है, दूसरा तो कुछ रहता नहीं, आई लोग भाई पूरा बुलेट प्रूफ बन के तैयार से गया था, ये मार दिया ग्रेनेड बॉम्ब विस्फोट धड़ाम धड़ाम उड़ गया, आप लोगों ने वीडियोज वगैरह तो बहुत देखे होंगे। अब यहाँ पर बहुत दहशत फैल गया यहाँ पर इस एरिया में, अब कभी भी इसराइल ही भारी पड़ेगा, जिन इन आप कितना चिल्ला लीजिएगा इन सेना के आगे आम आदमी नहीं टिकेगा। और इस घटना के बाद जो यहाँ पर घटना हुई, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह घिर गए। अब यहाँ इसराइल डबल संकट से जूझ रहा है, देखिए इसराइल पर इंटरनेशनल दबाव इतना ज्यादा आने लगा, यूएनओ ने दबाव बनाया कि वो भैया वो एरिया मेरे अंडर में आता है, तुम कहे वहां घुस गया है। भारत ने भी इवन की न्यूट्रल रहते हुए कहा कि इसराइल को यथास्थिति बना के रखनी चाहिए। अब पूरी तरह से इंटरनेशनल बवाल वहां हो गया, और इस घटना के बाद इसराइल में भी लगभग 14% आबादी मुस्लिम की, इसराइल की आबादी मुश्किल से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम है यहाँ पे, जिसमें आपका 16 से 17 लाख, 1 करोड़ में 16 से 17 लाख उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। अब वो लोग भी विरोध करने लगे हैं क्योंकि ये मैटर राजनीतिक न होकर धार्मिक स्थान को लेकर था, इसलिए विरोध होने लगा वहाँ पे। अब इसराइल अंदर में भी समस्या को झेल रहा है कि वहाँ भी बड़े बड़े पैमाने पर विरोध मार काट दंगे हो गए हैं अंदर वहाँ पे भी, तो अंदर भी झेल रहा है और बाहर भी झेल रहा है। दूसरा कि अभी इसराइल में फुल टू सरकार नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू भी अभी वहाँ चुनाव के मतलब रोके गए हैं, ये फुल टू नहीं है वहाँ पर चुनाव को लेकर, क्योंकि कोरोना वगैरह को लेकर काफ़ी राजनीतिक संकट थी। अब भारत इसमें क्या कर सकता है, पूरी दुनिया मतलब इसका विरोध कर रही है। अब इसमें एंट्री होती है हमास की, इसराइल का एक पुराना धर्रा रखा है, बस हम हर बात में उलझाते रहो, थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जाते रहो, ऐसे ऐसे कब्जाते रहो, 1948 में लड़ाई हुआ जगह कब्जा कर लिया, 56 में लड़ाई हुआ फिर कब्जा कर लिया, 67 में लड़ाई हुआ और कब्जा कर लिया, 73 में हुआ और कब्जा किया, 82 में हुआ और कब्जा कर लिया, अभी
तक इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हट पाएंगे उनसे आराम से, जब नहीं हट पाओ किसी से तो नरम दल का रास्ता अपना दो, लेकिन ना अभी भी लोग मारे करेंगे लोग। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि सुनो ना, हमको जो 48 वाला बतिया था ना, ये वाला 44% जो था वही हमको दिला दो, 48% दिला दो, नहीं चाहिए हमको, वापस दिला दो। इसराइल कहता है हाँ वापस दिला दो, हाई सब तो मार काट का है किया था, माने तुम मारने आया था इसलिए कि हमको पूरी तरह से उजाड़ दो, पूरा देश का देश आया था, और जब हार गए तो यहाँ बोलते हो कि वापस यूएनओ वाला ही दिला दो, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ दो पार्ट बन गया, जो फिलिस्तीन है उसके दो राज्य हो गए हैं, फिलिस्तीन देश के दो राज्य, एक ये जो इधर थोड़ा सा बचा हुआ है इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंड, और जो इधर बचा हुआ है इसे गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहते हैं, इन्हीं दोनों को मिला के फिलिस्तीन बना है। अब इसराइल इनको प्लानिंग में है कि यहाँ से भी निपटा के फाइल निपटा दिया जाए। अब इसमें समझिए कि जो वेस्टर्न बैंक है ये अरब समर्थित है, यहाँ पर अरब ये वगैरह वगैरह देशों का यहाँ समर्थन है, ये लोग नरम दल वाले हैं, शांति से प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा अधिकार रहना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज यही हैं, एक तरह से तो देश हमारा ही था। यहाँ आप शांति देखेंगे, यहाँ मार धार नहीं होता है, यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट भी होगा तो डेमोक्रेटिक तरीके से नॉर्मल होगा, लेकिन गाजा से मिसाइल चलने लगती है। इवन जो शाहजरा वाला एरिया है वो यहाँ है, जरूसलम वाला एरिया यहाँ है, लेकिन जो रॉकेट दागे जा रहे हैं वो गाजा से दागे जा रहे हैं, यहाँ से दागे जा रहे हैं। अब ये गाजा में ऐसा क्या है, तो गाजा में ईरान का समर्थन है और इसमें अरब का समर्थन है, गाजा में एक हमास नामक संगठन है, ये हमास ये कहता है कि इसराइल जो है वो हमेशा जुल्म करता है, बम मारता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब्जा करते जाओगे हम चुपचाप रहेंगे, हम भी मारेंगे तुमको। अब ये लोग क्या करते हैं, रॉकेट से हमला करते हैं, इनके पास बहुत तगड़ा रॉकेट नहीं होता है, 3 लाख का आता है एक कासम रॉकेट, ये बहुत हैवी पावर का नहीं होता, देखने में नहीं लग रहा है क्या करेगा, ये तो खेत में लगा के मार देते हैं, लेकिन हाँ ये एक पब्लिक के लिए बहुत खतरा है, किसी देश के लिए नहीं, बट पब्लिक वाले एरिया में गिर जाएगा तो तबाही मचा देता है। ये कासम रॉकेट जो है ये लगातार मारते हैं सब, और ये एक दो नहीं मारता है, एक के बार मारेगा 200, 400, 500, अब तक के लोग 1500 मार चुका है लोग रॉकेट एक हफ्ता में धड़ाधड़, इसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ जाता नहीं, लगाओ पनीता मार दो यहाँ से, इनमें कोई टारगेट फिक्स नहीं रहता है, गिरे जहाँ गिरे मन गिरो वहाँ पर। अब इनका इन लोगों ने बड़ा रेंज भी बना लिया है कासम रॉकेट का, पहले इसराइल का थोड़ा सा एरिया आता था, अभी धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे एरिया को कब्जा कर लिया, इस कासम रॉकेट के अंदर में आ गया, तेल अभी तक हमला कर दिया है वहां से। इस बार हमास ने इसराइल को ज्यादा क्षति पहुंचाया पिछली बार के तुलना में। अब आप कहेंगे कि गाजा के पास ये रॉकेट आ कैसे जाता है, क्योंकि गाजा का जो एरिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गाजा का एरिया आप इधर देखेंगे तो इधर से इसराइल से घिरा हुआ है, इधर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र में इसराइल की नौसेना रहती, इधर थल सेना रहती, ऊपर वायु सेना रहती, आ कैसे गया, तो ये एरिया थोड़ा सा मिस्र का एरिया लगता है, यहाँ मिस्र का, तो मिस्र के रास्ते ये पहुँच जाते हैं, जिसमें हमारे ओबामा साहब ने बड़ा भारी रोल निभाया था मिस्र तक पहुँचने में। देखिए ये मिस्र देश है, मिस्र का ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये गाजा से सटता है, तो जब बराक ओबामा थे ना तो इनको मिडिल ईस्ट में हीरो बनने का शौक था, इन्होंने ईरान से समझौता किया था और पी प्लस करके, आप लोग 2013 में अगर होंगे तो 13 वाला को अगर करंट अफेयर को देखेंगे तो वहाँ ध्यान में होगा, तो इनका संबंध इन दोनों से बहुत अच्छा था, क्योंकि इन्हीं के समय यहाँ पे ओसामा बिन लादेन मारा गया था और इन लोगों ने अमेरिका को पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया था, कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था क्लीन चिट है, उसको नहीं पता था यहाँ पर। अब भाई साहब ईरान को जब परमिट मिला तो ये ईरान यहाँ से इसी कासम रॉकेट को ये सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से यहाँ ठुसवा दिया, सुरंग बनाए बना पहुंचा दिया हजारों की संख्या में, इवन की वहां फैक्ट्री लगवा दिया, और यही रॉकेट आज इजराइल में तबाही मचाते हैं। इसलिए हमको आपको इस मचमच में पड़ने की जरूरत नहीं, भाई साहब ये लोग खुदे पहुंचे हुए फकीर हैं, ये लोग हमेशा चाहते हैं लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई ना होगा तो इनका हथियार नहीं बिकेगा, क्योंकि अगर अंधेरा ना हो तो टॉर्च का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इजराइल की एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, ये छोटे दूर में किसी भी मिसाइल को मार के गिरा देती है, अब वहां से ये लोग कितना भी रॉकेट मारे उसका 90% रॉकेट को ये मार के गिरा देते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि 1200 मिसाइल दाग दिया गया, कई आदमी मारा तो कभी एक कभी दो कभी तीन, ऐसा होगा? आप खुद सोचिए, भारत अगर चाइना या पाकिस्तान पे 1200 मिसाइल मारेगा तो कई आदमी कई शहर चल जाएगा यहाँ पे। तो पहला कि इनका रॉकेट छोटा होता है हमास वालों का, ये लोग डिफेंस कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमास भी इस चीज को पकड़ लिया है, वो जानता है कि इसका रडार जो है ये कितने रॉकेट को पकड़ गया, आप कितना मारेंगे क्षमते भरना, तो ये लोग एक ही साथ 200, 250, 300, 400 पूरा दाग देता है। अब उसमें
कंफ्यूज हो जाता है, मारते मारते दो चार ठो शहर पे गिर ही जाता है यहाँ पर, तो इन लोग को थोड़ा इकोनॉमिकल लॉस होता है। लेकिन इन लोग के पास ये करोड़पति है भैया, इनके लिए 30 लाख उतना मायने नहीं रखता है जितना उन लोग के लिए 3 लाख मायने रखता है, क्योंकि उनको रमजान में रोजा खोलने के लिए भी जो खाना दिया जा रहा है ना वो यूएई और यूएन के थ्रू आ रहा है वहाँ पे पैसा, तो खाए को नहीं है उन लोग के लिए 3 लाख बहुत हो जाता है। जनरली लोगों को लगता है कि ये दुश्मन की मिसाइल है और इस तरह मिसाइल आके मारती होगी, ये तरीका गलत है। मिसाइल ऐसे नहीं इंटरसेप्ट करती है बल्कि उसके बगल से गुजर के और उसके बाद खुद को, जैसे ये बगल से गुजरेगा ये खुद को फाड़ लेता है यहाँ पर। इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि आयरन डोम काम कैसे करता है। ओवरऑल जब भी लड़ाई हुआ है तो हमास जो है वो उधर से वो फायरिंग करता है और इजराइल फायर इधर से करता है। अब चूंकि फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है, उनके पास ना नेवी है ना एयरफोर्स है ना कुछ है, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। या तो हमास नामक आतंकवादी संगठन के थ्रू ये लोग मारेंगे, आम जनता के पास केवल पत्थर है लाठी है, इसके सिवा वहां पर कुछ नहीं है। और इजराइल के पास बहुत हैवी पावर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये हमास के रॉकेट आके यहाँ गिरे हैं जिससे इजराइल को काफी क्षति पहुंचा और इजराइल में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है, इसमें एक भारतीय नर्स भी थी। भैया इनकी क्या गलती थी जो मार दिया? कम से कम आके एक बार माफी तो मांग लेते हमास वाले, फिलिस्तीन वालों, कम से कम कि भैया हम इसके लिए मतलब हमें गलती हो गई, गजब बात करते। और इजराइल ने मारा तो 67 लोग मर गए हैं यहाँ पर। अब ये लोग फिलिस्तीन वाले हल्ला कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन वाले कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे भी मरे हैं, तो भाई बच्चे महिलाएं जब मरती हैं तो पूरी दुनिया मतलब सब लोग कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन समझिए यहाँ मेन, इजराइल बार बार उकसाएगा आपके पास ताकत नहीं है, आप नहीं लड़ पाएंगे, ये रॉकेट से पत्थर से लाठी से इजराइल को नहीं हराया जा सकता। अब इजराइल के साथ गलत क्या हो जाता है, इजराइल के जितने हथियार हैं बहुत पावरफुल है, तगड़े हैं एयरफोर्स से, अब उसमें हमला करेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल आतंकवादी मारे जाएंगे, सिविलियन भी मारे जाएंगे, जो गलत हो जाता है। दुनिया के किसी भी इंसान को तकलीफ तब होती है जब युद्ध में मासूम मतलब छोटे बच्चे मर जाते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे के ना थोड़ा सा दया लगने लगता है। लेकिन आप देखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, कम से कम ये तो नहीं हुआ कि भाई हमारी सेना वहां जाके छोटे बच्चे को मारी हो, या फिर वो बॉर्डर एरिया पे कभी क्रॉस फायरिंग में ऐसा हो जाता है वो अलग बात है, या फिर वहां के आतंकवादियों को हम लोग से कुछ ज्यादा ही प्यार है, ताज होटल में फोड़ के चले जाते हैं। अदरवाइज जब सेना में ऐसा होता है तो ये चीज तो ध्यान में रखा जाता है, बट इसराइल के साथ ये सिनेरियो पूरा अलग है। वहां इतनी ज्यादा आबादी है, एकदम घना, इतना तो छोटा है ये, तो वहां ऐसा नहीं है कि भारत की तरह की बॉर्डर से बहुत दूर लोग रहते हैं, इसलिए इसराइल जब भी मारता है तो तबाही ज्यादा लाता है, इतना भयानक तबाही लाता है, मतलब 10-12 गुना का अंतर होता है। और अभी इसराइल ने कहा कि ये हमले रुकेंगे नहीं, हमास को पूरी तरह से रद्द कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तभी जाके हमले को रोकेंगे। बात करते हैं दोनों में सही कौन है गलत कौन है। देखिए जमीन तो फिलिस्तीन की थी, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को समझना पड़ेगा कि इजराइल को वहां रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इजराइल वहां से उजड़ गया तो इजराइल का दुनिया में फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए इनकी लड़ाई अस्तित्व की है और इनकी लड़ाई अपने की है, तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहिए कि भाई जितना में हो उतना में सलट लो, यहां पर दोनों के लिए कहते हैं। अब इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अब इंटरनेशनल प्रेशर है, जिसे मुस्लिम कंट्री कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है, वो इजराइल के लिए वार्म अप का काम करता है और बढ़िया से धोता है। कोई बाइकॉट करके यूएनओ करके इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इजराइल सेल्फ डिपेंडेंट है हर मामले में। और लोग कहते हैं कि इजराइल को सबक सिखा, अरे भैया वो कोरोना भी फ्री हो गया इजराइल, अब तो और धो देगा यहाँ पर। दूसरा, यूएई और बहरेन इजराइल को थोड़ा मान्यता दे रहे थे, अब थोड़ा सा उन लोग पर डिपेंड आएगा क्योंकि ये इजराइल के फेवर में जा रहे थे, अब थोड़ा सा हट जाएंगे। यूएनओ कुछ नहीं कर सकता है और पता है इजराइल को कि ये कितना भी जुल्म कर ले, कितना भी मार दे, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूएनओ में जाएंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब तो इजराइल का साथ देंगे, वो लोग तुरंत वीटो कर देंगे और इजराइल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लग पाएगा। अब यहां पर अभी भी वर्तमान में इजराइल में कोई लीडर नहीं है, इस वजह से यहां पर थोड़ा सा चुनाव का मैटर है, तो थोड़ा सा क्राइसिस देखी जा रही है। अब यहां देखिए, लोग कहते हैं कि इजराइल को ज़्यादा बड़े हथियार नहीं प्रयोग करने चाहिए, ये बात हकीकत है कि इजराइल जो है वो हथियार को मजबूरी में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि जिस दिन इजराइल हथियार छोड़ देगा ये बात गारंटी है कि इजराइल और फिलिस्तीन में हिंसा रुक जाएगी, लेकिन उस समय इजराइल भी ख़त्म हो जाएगा। नो वेपन, नो वायलेंस एंड नो इजराइल, क्योंकि ये मार डालेंगे सब अरब देश वाले उसको मिलके, तो इसलिए उसको हथियार उठाना मजबूरी बनता है। और कितना अरब देश वाले इजराइल से नफरत करते हैं, बस इस बात पे सोचिए कि पाकिस्तान अपने पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि वो इजराइल को देश ही नहीं मानता है। भाई साहब, आप किसी को देश कंप्रोमाइज करने में क्या जाता है कि भैया हम अभी वर्तमान में जहां हैं हमको वहां रहने दो, 12% पे है तो रहने दो, नहीं तो 12 नहीं छोड़ेगा वहां पर। तो इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यहां पर। अब ही बात फिलिस्तीन की, तो इनके पास हथियार के नाम पे क्या है? पत्थर है, लाठी है, इसके सिवा तो इनके पास ऑफिशियली कुछ नहीं है। जो है वो हमास नामक आतंकवादी संगठन को है, जो खुल के कोई हथियार भी नहीं खरीद सकता है, छुपके से
ओबामा साहब की मदद से वो इसराइल तक पहुंचाया जा रहा है। तो भैया जो अमेरिका कहता है कि इसराइल के साथ है वही ससुरा रास्ता दे रहा है हमास को हथियार ले जाने का, तो हम लोग कायदे ही मच में पड़ने वाले हैं। दूसरा, इसराइल हमेशा उत्तेजित करता है, यासर अराफात थे इनको तो फिर पोलोनियम दे के मरवाइए दिया वहाँ पर फिलिस्तीन, ये हमेशा उत्तेजित करेगा और ये उत्तेजना में मारे जाएंगे और अब तक मारे जा रहे हैं, इनका कोई नहीं है। ये बात हकीकत है कि वर्तमान में जो इसराइल है वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, जो बात है, क्योंकि मार दिया भाई हथियार उसके पास है। लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं जुल्म हुआ है तो वो यहूदियों पर हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्हें कमरा में बंद करके लॉक करके अंदर जहरीली गैस डाल दी जाती, जानवर से बुरा वक्त सलूक हुआ था, लेकिन इन लोगों ने, यहूदियों ने वक्त की नज़ाकत को समझा, पढ़ाई पर, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया और आज ऐसी हकीकत हो गई है कि भारत जैसे देश को इसराइल से लड़ने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ड्रोन, हथियार, बंदूक सब इसराइल से आ रहे हैं सर, टेक्नोलॉजी वहाँ पे इतना छोटा है लेकिन इतना डेवलप है। तो इन लोगों पर भी सोचना चाहिए, एरिया मायने नहीं रखता है, आप वहीं रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, जब मौका मिलेगा आप आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम आप मौका नहीं मिले तो आप मत कहिए, देखिए भारत को भी बात करते हैं, हम लोग को भी अपना पीओके वापस लेके आना है, ये हमको अपना पीओके वापस लेके आना है, और चाइना ने जो 1962 में अक्साई चीन कब्जा किया वो भी हम वापस लेके आएंगे। लेकिन हम हिंदुस्तान वाले तो नेहरू से लेके हमारे मोदी जी तक में सब ने संयम बरता है और हमें पता है कि जब वक्त आएगा हम बिना कहे थूर के लेके आएंगे। फिलिस्तीन वालों की तरह हम बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि हर 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जाके हमला कर दे, वो और मजबूत होते जा रहा है इसराइल। हम लोग शांति से बैठे हैं, 2040 तक का इंतज़ार किया जाए, अभी पाकिस्तान से तो हम लोग निपट सकते हैं, तो 2040 तक की स्थिति आएगी तो हम लोग इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, हम अपना पीओके और अक्साई चीन लेके आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले आ सकते। 1857 की क्रांति में हम लोग अंग्रेजों से लड़ने निकले थे लेकिन हथियार, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमारा 1857 की क्रांति फेल हो गया। आए उसके बाद महात्मा गांधी, इन्हें पता था कि हमें एक लॉन्ग टाइम लीडर चाहिए, लॉन्ग टाइम लीडर के पीछे जनता चलने को तैयार होती है, और गरम दल करेंगे तो लॉन्ग टाइम लीडर नहीं रह पाएंगे। जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनका भी टाइम बहुत बेहतरीन थे बट टाइम पीरियड बहुत कम था, भगत सिंह ये भी बहुत बेहतरीन बट टाइम पीरियड कम रह गया। तो गांधी जी को पता था कि भैया हमको लॉन्ग टाइम तक एक लीडर चाहिए, इसलिए नरम दल वाला है अपना, और जब लास्ट मोमेंट आया, यही गांधी जी है ना, करो या मरो बोलने वाले, यही है ना भारत छोड़ो आंदोलन चलाने वाले, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सबसे ज़्यादा हिंसा गांधी जी की अगर किसी आंदोलन में हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन में, और भी पहले दिन गिरफ्तार हो गए। तो वक्त आने पर कोई भी काम करना चाहिए, भैया अभी अपने पे ध्यान दो, हम लोग से कुछ सीखो, हम लोग को भी हमारा पीओके वापस चाहिए, अक्साई चीन वापस चाहिए, लेकिन हम लोग गला नहीं फाड़ते, हम लोग प्लानिंग करते हैं, वक्त बदलते कभी देर नहीं लगती है। मोदी जी जब 2014 से पहले चुनाव नहीं जीते थे ना, तो अमेरिका ने कहा था कि मोदी जी को हम अमेरिका में घुसने नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे, और यही अमेरिका है जो वीजा नहीं दे रहा था, अभी बुला के पिज्जा खिला रहा है यहाँ पर, हाउडी मोदी कर रहा है यहाँ पर। वक्त बदला कि नहीं बदला, भारत की शक्ति ऐसी है कि भारत ने सबको जब वैक्सीन दिया था तो अभी जब भारत को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी पूरी दुनिया पहुंची, इवन अरब देश वाले भी पहुंचे, सिंगापुर, कौन नहीं आया भारत को। तो जब आप सबसे मिलजुल के रहेंगे, सब आपकी मदद के लिए आएंगे, आप बस अपने लिए रहेंगे तो केवल आपके अपने ही आपको पूछेंगे, फिर पड़ोसी आपको नहीं पूछेंगे। अभी तो इसराइल ये कुछ नहीं बता रहा है, अभी तो टेलर चल रहा है, इसराइल ने कह दिया कि हमले नहीं रुकने वाले हमास पे, इसराइल का प्लान है ग्रेटर इसराइल बनाने का, जिस तरह इंडिया में नोएडा था ग्रेटर नोएडा बन गया, उसी तरह पहले तो फिलिस्तीन था वहां बना इसराइल, अब बनेगा ग्रेटर इजराइल। जरा ध्यान से देखिए ग्रेटर इजराइल का नक्शा, ये अभी वर्तमान इजराइल है जो अभी चल रहा है, और ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं ना, इनका प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का, यहां से ये मिस्र पर कब्जा करेंगे, यहां से सऊदी अरब का ये वाला कब्जा करेंगे, कुवैत करेंगे, इराक को ले जाएंगे, सीरिया को ले जाएंगे, तुर्की का ये लेके आएंगे, जॉर्डन तो पूरा बीच में चला गया लेबनान, तो ये इन लोग का पूरा प्लानिंग है भाई साहब ग्रेटर इजराइल बनाने का। और आप खुद सोचिए, देखिए नफरत अलग चीज होती है, जो फिलिस्तीन के समर्थन भी है वो भी जरा ये बात को सोचे कि अगर ये हमला करने आ जाएगा तो इन्हें कौन रोक सकता है, 6 दिन में इन सारे देशों को हरा दिया था 1967 में इसने, तो इसने इसको कोई नहीं रोक सकता, ये इनका प्लानिंग है यहाँ पे। तो अभी के वक्त में भाई साहब आप खुद समझिए कि ये गरम दल के हिसाब से आप यहाँ थे, इतनी समय सिमट गए, जिस हिसाब से इसराइल आपको उकसा रहा है और आप इसराइल की चाल नहीं समझ पा रहे हैं,
वो उकसाएगा और आपकी जमीन छीनेगा और पूरी दुनिया के पास उसके पास बहाना रहेगा। इवन जो बाइडेन ने भी कह दिया कि इजराइल को अधिकार है, वो अपनी रक्षा कर सकता है, इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास 1200 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि इस रॉकेट में उतनी क्षति नहीं हुई जितनी उसके एक रॉकेट में हमास को हो गई। वो तो यही चाहता है। और अगर इन लोग का यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में इजराइल इन लोग को यही दे देगा, जो मीट काटने वाला लकड़ियां होता है ना, यही बांट देगा, तुम लोग का देश खत्म हो गया, तुम लोग ये ले लो, इसी पे बैठना, इसी पे बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है इन लोग को कॉम्प्रोमाइज कर ले, वरना वहां से यहाँ आ गए, अब ये इस पे बैठना, बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। इसराइल इसको कटवा कटवा के रेडी रख रहा है यहाँ, और फिलिस्तीन के लोगों को लगता है कि ये अरब देश बचाएंगे। अरे ये क्या बचाएंगे, इन लोग को कुछ नहीं बचा सकते हैं, इन लोग का खुद का हालत खराब हुआ रहता है, तेल खत्म, खेल खत्म, इन लोग के पास आता क्या है इनको? ये अरब वाले और पाकिस्तान तुर्की ये क्या बचाएंगे, समझिए ध्यान से। चाइना का इधर का एरिया जो है ये कहलाता है उगर मुसलमानों का, ये एरिया है, यहाँ पर उगर मुसलमान रहते हैं, सिंजियांग प्रांत है, यहाँ पर चाइना कहता है कि मुसलमान को कुरान उतना ही पढ़ना है जितना हम बताएंगे। यहाँ महिलाएं अगर कपड़ा पहन लेती हैं पूरा तो उसको 20 सड़क पर उसके कपड़े काट दिए जाते हैं कि घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए। कोई अरब देश आवाज़ नहीं उठा सकता है, वहाँ किसी भी लड़की को उठा के लेके चल जाते हैं। सर ऑनलाइन किसी को चाहिए ऑनलाइन लेके चल जाओ इन लोग को, जिस तरह से जोमेटो इस सब पे ऑर्डर होता है ना, वैसे यहाँ ये लोग ऑनलाइन उठा के लेके चल जाता है मजदूरों को, लड़कियों को, ऐसे कोई नहीं बोल सकता, आज तक कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। यहाँ इस तरह से सरेआम लाठी डंडा से पीटा जाता है। लेकिन ये दोहरी नीति ना हो जाती है कि अगर इजराइल करेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे इस आधार पर कि मुस्लिम पर अत्याचार क्यों हो रहा है, और चाइना कहेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये दोहरी नीति है यहाँ पर, चीन का विरोध करना चाहिए। तो देखिए ये अरब के राजा चीन के साथ, ये तुर्की वाला भाई साहब ये देखो ये चीन के साथ है, और ये पाकिस्तान इमरान खान तो सोच रहा है इसका रखेल बन गया है, क्या बोलेगा यहाँ पर, ये लोग के भरोसे है, ये कुछ नहीं कर सकता है। देखिए पूरी दुनिया को अहिंसा, सच्चाई और शांति के रास्ते पर चलना सिखाया था दलाई लामा ने, बौद्ध धर्म ने, नतीजा क्या हुआ, 1959 में तिब्बत को ही गंवाना पड़ गया। अहिंसा पे चले थे, देश गायब हो गया। फिलिस्तीन हिंसा पे चला, दूसरे का देश कब्जा कर लिया। दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो शास्त्र उठाना पड़ेगा। हम खुशनसीब हैं जो ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों में किसी की कमी नहीं है। ओवरऑल भाई फिलिस्तीन को नरम दल का रुख अख्तियार करना चाहिए, और हमास उमास को साइड करके कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। विश्व के आगे कहना चाहिए कि भैया हम 12% पे रहेंगे, लेकिन पूरी गारंटी दे दीजिए पूरी विश्व बिरादरी की 12% में एको कट्ठा जमीन कम नहीं होगा, हम एको रॉकेट वॉकेट नहीं दागेंगे, शांति से रह जाओ भाई, इसी में भलाई है। अब रही बात भारत की, भारत किसका साथ देगा, इजराइल का कि फिलिस्तीन का? देखो ऐसे कहने के लिए तो फिलिस्तीन से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करके, हम लोग शुरू से फिलिस्तीन का ही साथ दिए और अभी भी वहीं देते हैं इनडायरेक्टली करके, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे तो अरब देश हमारे साथ खड़े रहेंगे। जैसे अभी देखिए वो लोग ऑक्सीजन टैंक का सप्लाई किए, पेट्रोलियम का सप्लाई वहीं से आता है, क्योंकि हमारे पास वो पास पड़ता है, वहां से पेट्रोलियम सस्ता पड़ेगा। और आपको भी पता है कि गल्फ कंट्री के अलावा अगर कहीं से पेट्रोलियम लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा, और भारत में पेट्रोल महंगा हो रहा है। दूसरा कि भारत में लाखों लोग अरब देशों में काम करते हैं, तो हमें पेट्रोलियम चाहिए, वो देश मतलब वहां रोजगार चाहिए, इसलिए हमें न्यूट्रल होकर रहना पड़ता है। दूसरा कि हम चाह के भी इसराइल का समर्थन नहीं कर सकते, ये डिप्लोमेटिक कारण समझिए। पाकिस्तान चाहता है कि हम इसराइल का समर्थन कर दें, लेकिन हम करेंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जहां हम इसराइल का समर्थन करेंगे कि इसराइल द्वारा कब्जा की गई जमीन इसराइल की हो गई, तो पाकिस्तान कहेगा बहुत अच्छा, तब तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया की गया पीओके भी मेरा होगा। चाइना उधर से कहेगा बहुत अच्छा, आप कहिए रहे कि कब्जा किया जमीन उसका हो गया तो हमारा अक्साई चीन भी मेरा हो गया। तो भारत इस दुविधा में है, लेकिन हम लोग ससुरा बहुत होशियार निकले, हम लोग इजराइल को बुलाएं बेंजामिन नेतन्याहू को और कहें कि देख भैया हम तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हाई मैटर गड़बड़ है, एक काम कर तू हमको वापस दिलवा दे पीओके और ये दिलवा दे हमको अक्साई चीन, जब मेरा वापस आ जाएगा हम खुल के कहेंगे कि इजराइल तुम्हारे साथ है, लेकिन अब तक नहीं। तो ये समझ गया, ये लोग होशियार लोग हैं, समझ गया, तो भारत को हथियार देते हैं। इवन करगिल की लड़ाई में सेंसर बम इसराइल ने ही दिया था। तो आप समझ गए कि अभी हम चाह के भी इसराइल को समर्थन नहीं देंगे, वरना अगर समर्थन दिए तो यूएनओ में हमारा कश्मीर का मैटर अटका, हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो उत्तेजना में आके नहीं करना, हम लोग से क्या मतलब है, हम लोग के मैटर में कोई आता है? गलवान घाटी में कौन आया हम लोग को बचाने के लिए? यह लड़ाई जब हुई थी तो हम लोगों ने खुद झेला था, ये लोग भी खुद समझेंगे अपना, खुद नहीं समझेंगे तो फिर बर्बाद होंगे। आई होप जो इंग्लैंड ने आग लगाया था यहां इजराइल फिलिस्तीन में और जो भारत पाकिस्तान में, ना ये आग बुझने वाली है ना ये आग बुझने वाली है। ये भाई साहब को कश्मीर चाहिए, आई भाई साहब को पूरा इजराइल खत्म करके फिलिस्तीन चाहिए, यह सॉल्व होने वाला नहीं है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।